वेलकम बैक टू आई टी जेड इंग्लिश। मैं इम्तियाज अहमद आज के इस सेशन में आप लोगों को प्रोनाउन का केस के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले वाली पीरियड में हमने नाउन के केस को विस्तार से देखा था, आज हम लोग प्रोनाउन का केस सीखेंगे। केस जिसके बारे में मैंने बताया है कि नाउन और प्रोनाउन की वह अवस्था जो क्रिया के मामले में या सेंटेंस के मामले में जो अवस्था बनती है उस अवस्था का नाम केस है। क्रिया या सेंटेंस के अन्य शब्दों के मामले में नाउन और प्रोनाउन की बनने वाली अवस्था केस कहलाती है। तो आओ केस को अच्छी तरह से समझते हैं। प्रोनाउन का केस समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बनाए नाउन के केस के बारे में। जैसे जब हम एक नाउन का केस बदलते हैं तो उस नाउन का केवल केस बदलता है, रूप नहीं बदलता है। लेकिन जब एक प्रोनाउन का केस बदल दिया जाए तो उसका केस और रूप दोनों बदलते हैं। पहले नाउन को देखो आप, राजू किल्ड अ बर्ड। अब इस सेंटेंस में राजू जो है नॉमिनेटिव केस में है और बर्ड जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। जब हम इसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट जो होता है वो बाई प्लस एजेंट होता है और वर्ब जो है वो टू बी प्लस वी थ्री में बदल जाती है। ये हमारा एक्टिव फॉर्म है और ये पैसिव फॉर्म है। मुझे समझाना है कि नाउन का केस बदलने से उसका केवल केस बदलता है, रूप नहीं बदलता है। आओ देखते हैं। अ बर्ड वाज किल्ड बाय राजू। अब ध्यान से देखो, राजू सब्जेक्ट है इसलिए इसका केस क्या है, नॉमिनेटिव है। लेकिन वही राजू जब बाय एजेंट बना है तो इसका केस क्या बना, ऑब्जेक्टिव केस बना है, ऑब्जेक्टिव केस बन गया। लेकिन राजू राजू है, संजू नहीं हुआ, यानी कि राजू का केवल केस बदला, नाउन नहीं बदला। अब बर्ड ऑब्जेक्टिव केस में है, इधर आया तो ये सब्जेक्ट बना और सब्जेक्ट बना तो इसका केस क्या रहा, नॉमिनेटिव केस हुआ। लेकिन बर्ड बर्ड है, एनिमल नहीं हुआ। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि एक नाउन का केस बदलने से उसका केवल और केवल केस बदलता है, रूप नहीं बदलता है। तो क्या ये बात प्रोनाउन के साथ भी लगती है? नहीं, नाउन का केस बदलने से उसका केस बदलता है, रूप नहीं। लेकिन जब एक प्रोनाउन का केस बदल दिया जाए तो उसका केस और रूप दोनों बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूं। आई सब्जेक्ट है, केस इसका नॉमिनेटिव केस है। देम जो है ऑब्जेक्ट है, केस इसका ऑब्जेक्टिव केस है। अब आप इसको पैसिव फॉर्म में ले चलो, दे आर टॉट बाय मी। अब आई जो सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में, अब इधर जा करके क्या बना,
ऑब्जेक्टिव केस बना। देन जो है ऑब्जेक्टिव केस है, जब ये सब्जेक्ट बना तो इसका केस नॉमिनेटिव केस बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक नाउन का केस बदलने से उसका सिर्फ और सिर्फ केस बदलता है, रूप नहीं बदलता है। लेकिन जब एक प्रोनाउन का केस बदल दिया जाए तो उसका केस और रूप दोनों बदलता है। ठीक है, अब अगली चीज समझो, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जब हम जाएंगे तो वहां हमें एक पर्सनल प्रोनाउन मिलता है। तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स के बदलते हुए केसेस को इत्मीनान से देखेंगे। आओ देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर अ पर्सन, ऐसा प्रोनाउन जो आदमी के लिए प्रयोग किया जाए, सिर्फ और सिर्फ आदमी के साथ लगने वाला प्रोनाउन जो होता है वह पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। इसमें गिने चुने 7 प्रोनाउन्स आते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। अब आओ देखते हैं सबका नंबर और पर्सन। आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, जहां पर आई क्या है तो सिंगुलर होता है, वी जो है ये प्लूरल होता है, यू जो है सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ही, सी, दे, इट ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, जहां पर ही जो है सिंगुलर होता है, सी सिंगुलर, दे प्लूरल और इट सिंगुलर होता है। ये हमारे रहे पर्सनल प्रोनाउन। और मैंने बताया कि प्रोनाउन का केस बदलने से उसका केस भी बदलता है और रूप भी बदलता है, लेकिन नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है। नाउन का केस बदलने से उसका सिर्फ केस बदलता है, रूप नहीं बदलता है। जो नाउन जिस रूप में है उसी रूप में रह जाता है, लेकिन प्रोनाउन अपना केस और रूप दोनों बदल देते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा प्रोनाउन जो है अपना केस और रूप दोनों बदलता है। आपके नजर के सामने प्रोनाउन के बदलते हुए डिफरेंट केसेस मैंने रखे हैं। पहला है आपका नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, यानी कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग जब भी होता है तो ये हमारा सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट यानी कि इसका प्रयोग कभी भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लिया जाए कि यह हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस है, सॉरी, यह हमारा सेंटेंस है, तो नॉमिनेटिव केस का प्रयोग जब भी होगा तो सब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक है, और इसके बाद रहा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग जब भी होगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा, ये इनका प्लेसमेंट होता है। अब हम नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक ही सेंटेंस में दोनों चीजें देख लेते हैं। जैसे आई, आई टीच देम। अब आई जो है सब्जेक्ट बना है, केस क्या है इसका, नॉमिनेटिव केस है। अब यहां मी नहीं हो सकता, देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहां
दे नहीं हो सकता या फिर देयर नहीं हो सकता, यानी कि इनका प्लेसमेंट जो है बिल्कुल तय है। नॉमिनेटिव केस क्या बनता है, तो सब्जेक्ट बनता है, यानी कि सेंटेंस में जो वर्ड आपका सब्जेक्ट है उसका केस नॉमिनेटिव होना चाहिए। अर्थात ये सारे नाउन अगर नॉमिनेटिव केस में है तो इसका मतलब है कि जब भी बनेंगे तो ये सब्जेक्ट बनेंगे। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या, कि जो ऑब्जेक्ट बने, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। ये दो तो हो गए, नॉमिनेटिव हो गया और ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला समझ लो आप तीसरे क्रम पर पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस जो है ये पजेशन बताता है, संबंध शो करता है, और पजेसिव केस के जो प्रोनाउंस होते हैं वह दो तरह के हो जाते हैं। एक जो होता है वह पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, यानी कि शुद्ध रूप से यह प्रोनाउन रह जाता है, लेकिन साथ ही साथ पजेशन दर्शाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होती है ये दो काम करती है, एक तो पजेशन शो करेगी और फिर किसी नाउन को क्वालिफाई करेगी, इसलिए करेगी कि ये पजेसिव भी है और फिर एडजेक्टिव भी है, यानी कि पजेशन दर्शाने के साथ साथ किसी नाउन को क्वालिफाई करेगी। तो इनमें हम सबसे पहले पजेसिव प्रोनाउन देखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरा नया है और तुम्हारा पुराना है, मेरा नया है, तो आप ऐसे करो कि माइन इज ए न्यू बट योर्स इज ओल्ड, ठीक है। अब माइन क्या बना है, तो सब्जेक्ट बना है, योर्स क्या बना है, सब्जेक्ट बना है। ऐसे ही हम चाहें तो इनको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे आई लाइक माइन बट यू लाइक योर्स। आई लाइक माइन, मैं अपना पसंद करता हूं, बट यू लाइक योर्स, लेकिन तुम अपना पसंद करते हो। अब इस सेंटेंस में माइन जो है ऑब्जेक्ट है, योर्स जो है ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसके बाद हम चाहे तो इसको कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं, जैसे दिस इज माइन, दिस इज माइन बट डेट इज योर्स। दिस इज माइन, यह मेरा है, बट डेट इज योर्स, लेकिन वह तुम्हारा है। अब यहां माइन जो है कॉम्प्लीमेंट बना है और योर्स जो है ये भी कॉम्प्लीमेंट बना है, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हमारी इच्छा के अनुसार, हम चाहें तो सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। तो तीन तो बिल्कुल क्लियर हो गए, नॉमिनेटिव क्लियर हुआ, ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हुआ, और फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्लियर हुआ। अब बचा पॉजेसिव एडजेक्टिव और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है हम दोनों कंसेप्ट के हिसाब से बात करते हैं। एंशियंट कंसेप्ट में हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हैं ये एडजेक्टिव बोले जाते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव वह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण या दोष बताता हो। मॉडर्न कंसेप्ट में ये सारे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं इनको डिटरमिनर कहा गया है, डिटरमिनर। और डिटरमिनर किसी नाउन के आने का सूचक होता है। डिटरमिनर इज एन इन्फॉर्मर ऑफ अराइवल अ नाउन,
यानी कि अगर कहीं कोई एक शब्द डिटरमिनर है और उसकी अराइवल हो गई तो इसका मतलब है कि उसके बाद एक नाउन आएगा। ठीक है, अब दोनों कंसेप्ट के हिसाब से देखते हैं कि इनके साथ क्या मामला होता है। डिटरमिनर अपने बाद एक नाउन लेता है और एडजेक्टिव के बाद भी एक नाउन आता है, तो दोनों कंसेप्ट के हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का आना शर्त है। बिल्कुल आएगा ही, बिना एक नाउन का आए पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना संभव नहीं है। फिर से देखो, आप पॉजेसिव एडजेक्टिव को मॉडर्न कंसेप्ट में डिटरमिनर माना गया है और डिटरमिनर के बाद एक नाउन का आना शर्त। एंशिएंट कंसेप्ट में ये सब के सब एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है तो नाउन आता है, मतलब इन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का आना शर्त है। अब जब शर्त है तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनेगा, तो ऐसा बनेगा माई डॉग, माई डॉग मेरा कुत्ता। अब ये आपका पॉजेसिव केस बन गया। अब बन गया तो आपकी मर्जी, आपकी जरूरत, चाहो तो सब्जेक्ट बना लो, चाहे तो ऑब्जेक्ट बना लो और चाहे तो कॉम्प्लीमेंट बना लो, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना है। माई डॉग बार्क्स एट हिम, मेरा कुत्ता उस पर भौंकता है। अब माई डॉग आपका सब्जेक्ट बना है। आई लाइक माई डॉग, अब लाइक वर्ब है, ट्रांजिटिव है, माई डॉग इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अब कॉम्प्लीमेंट देखो इसको, दिस इज माई डॉग, अब माई डॉग आपका कॉम्प्लीमेंट बना है। तो इस तरह से आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। तो आप नॉमिनेटिव समझ गए, पॉजेसिव एडजेक्टिव समझ गए, पॉजेसिव प्रोनाउन समझ गए, ऑब्जेक्टिव केस समझ गए। अगला एक बचा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को थोड़ा आप समझ लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग सब्जेक्ट खुद के लिए करे, अपने लिए करे, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट स्वतः के लिए खुद के लिए करे वह होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बनता कैसे है, तो प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके, अगर कोई एक प्रोनाउन सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म में, तो उसके अंत में हम सेल्फ लगा करके उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। लेकिन अगर वो प्रोनाउन प्लूरल है तो उसके अंत में हम सेल्फ लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे कि आप देखो, आई जो है सिंगुलर है, इसलिए हम माई सेल्फ बनाते हैं। माई कहां से लिया गया, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव से। अब माई सेल्फ जो है आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे ही वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ, योर का, योर चूंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, अगर ये सिंगुलर होगा तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ, प्लूरल होगा तो योर सेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ और इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ। अब एक नजर में आप इसका प्रयोग देखो, मैंने अपना पांव अपने आप घायल किया, आई इंजर्ड माई लेग, मैंने अपना पांव घायल किया, कैसे किया, माई सेल्फ स्वतः स्वयं, ठीक है। सी पनिश्ड हर सेल्फ,
उसने अपने आप को दंडित किया। अब इन सेंटेंसेस में माई सेल्फ जो है, हर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ जो है वो आई के लिए आया है, हर सेल्फ जो है वो सी के लिए आया है। और मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट अपने लिए करे, ठीक है। तो ये रहा आपका डिफरेंट टाइप्स का केस प्रोनाउन के बारे में। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि वीडियो देखने के बाद प्रोनाउन का जो केस होता है इससे संबंधित कहीं भी कोई आपका डाउट होगा तो वह डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलता हूं अगली पीरियड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।